हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेहतरीन खाना यूट्यूब चैनल में। आज हम व्रत में खाने वाला आलू का नाश्ता बनाएंगे। आज हम आलू लच्छा नमकीन बनाएंगे व्रत के लिए। हमने ये दो आलू छील लिए, इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। हम ये मोटे वाले हिस्से से कद्दूकस करेंगे। हम इन लच्छों को पानी में ही डालेंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। ये व्रत में चाय के साथ खाने में नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। माता रानी के 9 दिन व्रत होते हैं तो कुछ ना कुछ नया खाने को मन करता है। दूसरा आलू भी कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए, ऐसे हम ये दोनों आलू कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये दोनों आलू कद्दूकस कर लिए हैं। इनको हम 3-4 पानी से धो लेते हैं। आलू हमने 3-4 पानी से धो लिए हैं, इनको हम छलनी में निकाल लेते हैं। ये हमने छलनी में रख दिया, जब तक इसका पानी निचुड़ता है हम और काम कर लेते हैं। 1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे देसी घी, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। नवरात्र के व्रत में, शिवरात्रि के व्रत में कभी भी खा सकते हैं, किसी भी व्रत में। इसे थोड़ी सी हम मूंगफली इसमें फ्राई करेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा घी और डाला है ताकि हम पूरे आलू इसी में बनाएंगे। मूंगफली हमारी फ्राई हो गई है, इनको हम निकाल लेते हैं। चटकने लगी हैं, देखिए देखिए दोस्तों, सारी मूंगफली चटक गई हैं। इसी तेल में हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। 1 हमने हरी मिर्च काटी है ये डालेंगे। आलू का हमने सारा पानी निकाल दिया, हम ये भी डाल देते हैं इसी में। ये नाश्ता 1-2 चम्मच घी में ही बन जाता है, इसको ज़्यादा तेल घी में तलने की जरूरत नहीं होती है। ज़्यादातर व्रत में तली हुई चीज़ें बनाते हैं। जो लोग घी तेल कम पसंद करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया नाश्ता है। दो तीन मिनट हम इसे ढक के पका लेते हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं आलूओं को। आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। 1/2 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, सेंधा नमक है व्रत वाला। 1/2 चम्मच हम भुना हुआ जीरा डालेंगे इसमें। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे पीसी हुई। मिला लेंगे सारी चीज़ों को। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। दो मिनट और भून लेते हैं हम इनको। इसके साथ ही हम ये मूंगफलियां डाल देंगे। मिला लेंगे सारी चीजों को। बन गया हमारा आलू लच्छा नाश्ता।
देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। चाय के साथ, दही के साथ इसे खा सकते हैं आप व्रत में, बहुत बढ़िया लगता है। गैस बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों कितना टेस्टी बना है, आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये दही के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। आप भी बनाइए, खाइए, मज़े कीजिए। नवरात्रों में ऐसी चीज़ें बना के खाइए, बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी है। अगर आपको व्रत में खाने वाली आलू की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।